सैटर्न इन टेंथ हाउस इन टॉरस। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नक्षत्र रहस्य चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपकी वृषभ लग्न है और बाई बर्थ शनि अगर आपके दसवें भाव में बैठे हैं या गोचर करके दसवें भाव में आते हैं तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे उसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि वर्तमान में भी ये दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए ये अपने उच्च स्थान से पंचम है और अपने भाग्य स्थान से द्वितीय है। जब ये दसम भाव में जाएंगे तो आपका द्वितीय भाव, पंचम भाव और छठा भाव ये सब जागृत हो जाएंगे। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, जब द्वितीय भाव जागृत होगा तो पैसा ये आपको खूब देंगे। बहुत से लोग तो यह भी कहेंगे कि शश योग यहाँ पर बन गया है, जैसा कि अक्सर हम सभी जानते हैं। लेकिन शश योग क्या बनेगा, क्योंकि शश योग का जो फार्मूला है वो कुछ और ही है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जितने भी पहले राजयोग बताए गए हैं वो सारे सूत्र मेष लग्न की कुंडली पर घटाए गए थे। इन फ्यूचर में कभी हम चर्चा करेंगे कि कैसे शश योग, हंस योग, मालव्य योग जैसे योग बनते हैं। लेकिन आज ये जानिए कि शनि आपको क्या फल देंगे। सबसे पहली चीज, यदि दसम भाव में वृषभ राशि के शनि बैठे हैं तो ऐसे में भाग्य आपका कई गुना बढ़ जाएगा। भाग्य जबरदस्त तरीके से साथ देगा। मैंने बताया धन भाव एक्टिव होगा, इसके मतलब ये रहा जब भाग्य साथ देगा तो आपके पास स्वाभाविक रूप से धन तो आना ही आना है। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो शनि की इस दशा में या इस गोचर में आपको निश्चित प्रयास करना चाहिए, नौकरी मिल जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस गोचर में या इस दशा में आपकी नौकरी में बढ़ोतरी हो जाएगी, जैसे कि सैलरी बढ़ जाना या अचानक से प्रमोशन मिल जाना, इस तरीके के योग बन जाएंगे। दूसरी चीज, शत्रु स्थान से ये पंचम बैठे हैं, इसका मतलब ये रहा कि इस समय शत्रु भी आपसे अपनों जैसा व्यवहार करेंगे, शत्रु बढ़ेंगे नहीं आपके। तीसरी चीज, यहां पर जब ये भाग्य मजबूत करेंगे तो समय समय पे आपको कुछ देंगे तो बहुत कुछ लेंगे भी। लेंगे क्या, इनकी यहां जहां दृष्टियां जाएंगी वो गड़बड़ करेंगी। एक दृष्टि जाएगी आपके चौथे भाव पे, तो अगर छाती से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको पहले से दिक्कत है तो वह दिक्कत बढ़ जाएगी, जैसे कफ का बढ़ जाना, बीपी हाई लो हो जाना, इस तरीके की दिक्कत हो जाएगी अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो। इसके अलावा सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, वहां पर भी शत्रु राशि है तो वैवाहिक जीवन में इनकी दिक्कत ये उत्पन्न करा देंगे। लेकिन दिक्कत ये तभी उत्पन्न कराएंगे जब इनकी दशा महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो। गोचर का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। लोग फालतू में डराते रहते हैं ढैया साढ़े साथी से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर महादशा अंतरदशा आपका फेवर कर रही है तो ढैया साढ़े साथी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तीसरी जो दृष्टि है वो इनकी जाएगी खर्च भाव पे। जब खर्च भाव पे दृष्टि जाएगी तो खर्च को ये स्लो कर देंगे, क्योंकि वहां पे नीच की दृष्टि है। बिस्तर सुख का होता है 12वां भाव, तो जब 12वें भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी तो बिस्तर सुख आपका समाप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस समय आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, सुख सुकून अपना नहीं देखोगे, आगे बढ़ने के लिए भरकस प्रयास करोगे जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दसम भाव में यदि शनि आपके गोचर करके आए या आपके बाई बर्थ बैठे हैं या दसम में जब ये बैठे इनकी दशा आ जाए तो इस समय पैसा आपके पास धुआंधार आएगा, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में तेजी आना, इस तरीके के रिजल्ट निश्चित ही ये शनि देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की देखिए छाती से संबंधित दिक्कत है तो ऐसे में आप भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ दें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार रेगुलरिटी से जप करें यदि शनि की दशा चल रही है और शनि दशम में बैठे हैं तो।